हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेटेड फैंटेसी पर। इस बार में आप देख रहे हैं बायजूस झारखंड T20 लीग का जो यहां पर 25th मैच खेला जाने वाला है जमशेदपुर जगलर्स वर्सेस बोकारो ब्लास्ट के बीच में, उसके मैच प्रीव्यू स्टैट्स और एनालिसिस। तो यहां पर प्रीव्यू शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो गाइस देखिए, अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाकर टारगेटेड फैंटेसी लीग के सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको 1.6 के प्लस स्कोर वाला जो चैनल मिलेगी वो चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। उसी के साथ अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए, सॉरी यहाँ पर टेलीग्राम के लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस देर किस बात की, आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस चलते हैं अभी मैच की बात करें। कल सुबह 9 बजे ये मैच खेला जाने वाला है इंडिया टाइम के अनुसार, मतलब इंडिया में ही मैच हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। JSCA इंडियन स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची पर ये लीग का सारे मैचेस हो रहा है तो ये मैच भी वहाँ पर ही होगा। हल्का से यहाँ पर क्लाउडी उधर रहने वाला है। अगर बारिश की कोई फर्दर न्यूज आए तो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। और बेसिकली यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच इस मैच में रहने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें, देखिए 156 यहाँ पर एवरेज स्कोर बनते हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात कर लेते हैं। देखिए जमशेदपुर ने 5 खेल के 1 जीते, बोकारो ने 5 मैच खेल के 4 जीते। तो यहाँ पर बोकारो की रिसेंट स्टेट्स बहुत ही अच्छा है तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए अभी तक 24 मैच खेला गया है जिनमें से बैटिंग फर्स्ट जीते 6 और बैटिंग सेकंड मतलब यहाँ पर चेस करने वाली टीम ने जीते 17 और एक मैच यहाँ पर टाई हो गए थे। तो गाइस आज के मैच पोजीशन के बारे में बात करें, 35% यहाँ पर जमशेदपुर के जीतने की चांसेस, बोकारो के जीतने की चांसेस यहाँ पर देखिए 65%। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोकारो के फेवर में ज़्यादा फेवर में टीम बनाना चाहिए। और एक बात देखिए, यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम की जीतने की चांसेस ज़्यादा है और यहाँ पर नंबर्स भी ज़्यादा है तो इसलिए आपको टॉस रिपोर्ट को दिमाग में रखते हुए टीम बनाना पड़ेगा कि कौन सी टीम टॉस जीत रहा है और कैसा कर रहा है, मतलब बैटिंग फर्स्ट कर रहा है या फिर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के यहाँ पर टीम बनाना चाहिए। तो गाइस अब चलता है दोनों टीम को प्रॉबल पिक्स है बैटिंग ऑर्डर के साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ प्लेयर परफॉर्मेंस रिसेंटली कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ स्मॉल लीग गैंड लीग के सिलेक्शन भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जमशेदपुर की बात करें, विजय जैना ओपनिंग कर सकता है आर्यन हुडा के साथ। विजय जैना की स्कोर आप देख सकते हो 14-5-48 और 20 ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं ओपनिंग में आके। आर्यन हुडा 24-1-39 और 53, तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं स्कोर। तो ये दोनों आपके लिए अच्छे पिक्स बन सकते हैं। कुमार सूरज की बात करें, 58-9-11-36-0-16, तो वन डाउन आके ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं। देखिए अभी तक 5 इनिंग्स 6 इनिंग्स खेला, उनमें से 2 इनिंग्स बहुत अच्छा खेला, बाकी यहाँ पर देखिए जो 11 और 16 बनाए यहाँ पर क्या हुआ था कि अच्छे इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश की थी लेकिन बना नहीं पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर अच्छा नहीं है, तो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। पंकज कुमार की बात करें, 2 डाउन खेलेंगे, विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपको मिलेगी 13-14-4-13-7-60-40। तो लास्ट 2 मैच में बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली तो आपके लिए एक मस्ट पिक रहने वाला है विकेट कीपरिंग सेक्शन पर। सुप्रिया चक्रवर्ती नंबर 5 पर आएंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 40-7-1-16-0-1। और उसी के साथ जो 6 मैच इन्होंने खेला वहाँ पर 3 विकेट निकाल पाए। मंगपाल 24-5 रन 1 विकेट 1 विकेट, तो एक बेसिकली एक ऑलराउंडर है लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस इनका नहीं है। नंबर 7 पर आएंगे विशाल प्रसाद, देखिए एक बैटर है लेकिन स्कोर इनका देखिए 2-0-2-1-5-0, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छे पिक नहीं है, आप इसको इग्नोर कीजिए और ड्रॉप कर सकते हो। नंबर 8 की बात करें, आदर्श गिरी लास्ट मैच में 0 बनाया। राहुल प्रसाद की बात करें, एक प्रॉपर बॉलर है फिर भी थोड़ा सा अच्छे हिटिंग करना जानते हैं, 17-0-5-1। उसके साथ लास्ट जो 5 मैच खेले वहाँ पर 4 विकेट निकाला। निशिकांत कुमार की बात करें, 0-2-1 लगातार 3 मैच में विकेटलेस गए, देखिए 6 मैच में टोटल 3 विकेट निकाला। कमल कुमार लास्ट जो 5 मैच खेले वहाँ पर 2 विकेट निकाला। और तो गाइस देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए जमशेदपुर की तरफ से अच्छे पिक रहने वाला है इस मैच पर। विजय जैना, आर्यन हुडा, कुमार सूरज, पंकज कुमार, सुप्रियो चक्रवर्ती और मयंक पाल, उसके साथ राहुल प्रसाद। तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए जमशेदपुर की तरफ से अच्छे चॉइसेस रहने वाले हैं स्मॉल लीग के लिए। और देखिए बाकी प्लेयर्स को आप ले सकते हो लेकिन ग्रैंड लीग पर आपके लिए अच्छे होगा। साथ में देखिए यहाँ पर जो सुप्रियो चक्रवर्ती है रिसेंट परफॉर्मेंस खराब है तो आप इसको ग्रैंड लीग पर एज ए रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पर ट्राई कर सकते हो, साथ में कुमार सूरज को भी। तो गाइस अभी दूसरे टीम के बारे में बताऊँ, बोकारो, देखिए विशाल सिंह ओपनिंग कर सकता है सत्या सेतु के साथ। विशाल सिंह की बात करें, 1-9-28-18-37-55-75, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है। साथ में यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे चॉइस बन सकते हैं। और देखिए लास्ट 3 मैच में 2 विकेट निकाले, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बॉलिंग करके भी विकेट निकाल रहा है। सत्य सेतु एक प्रॉपर बैटर है,
26 80 37 36 11 63 और 24, तो इनका भी आप एवरेज देख सकते हो कि लगभग 30 प्लस है, तो ये भी आपके लिए अच्छे चॉइस बन सकते हैं। आदित्य सिंह 25 11 13 12 16 17 बैटिंग में तो मतलब इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है हर एक मैच में, लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं है। लगातार तीन मैच में यहाँ पर देखिए बॉलिंग की और दो विकेट निकाला। भानु अनंत ये भी विकेट कीपरिंग ऑप्शन में अच्छा है, 17 2 11 27 7 36 20, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दूसरे टीम का विकेट कीपर को पिक करना चाहिए क्योंकि वो भी अच्छे खेल रहा है। प्रतीक भगत एक प्रॉपर बैटर है, नंबर 5 पर खेलेंगे, 13 5 15 5 6 चार इनिंग्स में इतना ही स्कोर कर पाया, उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सचिन तिवारी 23 10 4 2 इसका भी सेम हाल है, उतना अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहा है बैटिंग में। 3 रन बनाया पंकज यादव ने नंबर 7 पर आके, और 0 3 2 0 3 मतलब जो 5 मैच खेला उनमें से 8 विकेट निकला, तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आपके लिए पंकज यादव बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। विकास सिंह की बात करें देखिए नंबर 8 पर आएंगे, प्रॉपर बॉलर है, थोड़ा सा रन्स करना जानते हैं, 7 15 1 उसी के साथ देखिए 2 1 3 4 और लगातार 3 मैच विकेटलेस गए, तो इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। अभी तक खेल चुके हैं 7 मैच, उनमें से यहाँ पर 10 विकेट निकाला, तो ये आपके लिए अच्छे पिक्स हो सकते हैं। सौरभ शेखर देखिए 2 0 3 2 1 1 0 मतलब खेला इन्होंने 7 मैच और 7 मैच में यहाँ पर 9 विकेट निकाला, तो ये भी आपके लिए अच्छे बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं। आर्यमन लाला देखिए पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था वहाँ पर अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ लगातार 4 मैच में विकेटलेस बॉलिंग मिलने के बावजूद विकेट नहीं निकाल पाए, तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है, तो अब इसको इग्नोर कीजिए। हर्षदेव गौतम लास्ट 2 मैच में 1 विकेट निकाला लास्ट मैच में, तो अब इसको ग्रैंड लीग पर पिक कर सकते हो। आर्यमन लाला भी आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे पिक्स हो सकते हैं। तो गाइस अभी देख लीजिए स्मॉल लीग पर कौन कौन से प्लेयर बोकारो की तरफ से आपके लिए मस्ट चॉइस रहने वाला है। नीचे से ही देखेंगे सौरभ शेखर, विकास सिंह, पंकज यादव, भानु आनंद, आदित्य सिंह, सत्य सेतु, विशाल सिंह, तो ये 7 प्लेयर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है स्मॉल लीग पर। अब ग्रैंड लीग पर यहाँ से देखिए प्रतीक भगत, सचिन तिवारी ये 2 है, उसी के साथ आर्यमन लाला को ट्राई कर सकते हो, साथ में हर्षदेव गौतम को भी आप ट्राई कर सकते हो एज ए रिस्की ऑप्शन। तो गाइस अब हम देखेंगे स्मॉल लीग के लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस कैसा रहने वाला है। विशाल सिंह, सत्य सेतु, विकास सिंह ये 3 ऑप्शन रहने वाला है। उसी के साथ ग्रैंड लीग के चॉइसेस की बात कर लेते हैं एक बार, सौरभ शेखर, पंकज यादव, आर्यन हुडा, पंकज कुमार, तो ये 4 प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग पर लेना है एज ए रोटेशन। 2-3 प्लेयर्स को आप कर सकते हो या फिर इनमें से रिस्की ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। तो गाइस ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स और रनर्स की बात। अभी चलते हैं ड्रीमिंग की तरफ, एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपके लिए भानु आनंद, पी कुमार 2 ऑप्शन अच्छा है, वी जना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, फिर भी ओपनिंग कर रहे हैं आप चाहो तो इनको ग्रैंड लीग पर लेके कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो फिलहाल हम जाएंगे दोनों विकेट कीपर के साथ जो है भानु आनंद और पी कुमार, क्योंकि देखिए दोनों की सिलेक्शन आप देख सकते हो 83.51% और 81.58%, तो ये 2 प्लेयर्स हमारी टीम पर रहेगा। वी जना भी आपके लिए अच्छे पिक्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर आप 4 से लेकर 10 मेंबर तक खेल रहे हो तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, देखिए के सूरज, सत्य सेतु मस्ट पिक, उसी के साथ वी सिंह भी रहेगा। अब यहाँ पर एस तिवारी और पी भगत, ए गिरी, इन तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें वी सिंह, एस चक्रवर्ती और उसके साथ रहने वाले देखिए आर सिंह अगर खेले, रजनदीप सिंह अगर खेले तो आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस रहने वाला है, क्योंकि देखिए हर एक मैच में लगभग पॉइंट्स देकर जाते हैं और इस मैच पर लास्ट मैच में नहीं खेला तो इसलिए इनको बहुत सारे लोगों ने नहीं ले रहा है, तो अगर खेलेगा तो आपके लिए मस्ट पिक होगा। और देखिए यहाँ पर हमारा टीम पर रहेंगे एम पाल, क्योंकि देखिए एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटिंग करके विकेट भी रन्स भी कर रहा है और बोलिंग करके विकेट भी निकाल रहा है, तो इसलिए मयंक पाल आपके लिए अच्छे हो सकते हैं इस वाले मैच पर। तो ये रहेगा हमारा डिफरेंशियल पिक्स इस मैच में। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, देखिए पी यादव, उसके साथ रहेंगे एस शेखर और सेफ ऑप्शन जो एक रहेगा ए हुडा और एच गौतम, ए लाला, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों आपके लिए ग्रैंड लीग के ऑप्शंस, साथ में भी प्रसाद, के कुमार, इन दोनों को भी आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन एन कुमार आपके लिए स्मॉल लीग पर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, विकेट कीपरिंग सेक्शन पर इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में देखेंगे। वी सिंह यहाँ पर बिल्कुल सेफ कैप्टन, उसी के साथ फिलहाल सेफ कैप्टन रहेगा यहाँ पर वी सिंह और सत्य सेतु जो है आपके लिए ये भी अच्छे चॉइस बन सकते हैं एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। और यहाँ पर बॉलिंग में तो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ए हुडा का ही यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे सिलेक्शन है, तो आप इनके साथ जा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम जाएंगे किसके साथ, दोनों यहाँ पर देखिए जो है विशाल सिंह और
विकास सिंह, तो इन दोनों के साथ हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चॉइस पर जाएंगे। सेव करके आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ और प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रांडी के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर है पी कुमार और भानु आनंद, ये दो प्लेयर्स। बैटर्स में के सूरज, सत्य सेतु, वी सिंह, ये तीन प्लेयर्स आने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं विकास सिंह, एस चक्रवर्ती, एम पाल, और बॉलिंग की बात करें पी यादव, ए हुडा और एस शेखर। हमारी टीम का जो सेफ कैप्टन है वी सिंह, विशाल सिंह और विकास सिंह, और आप चाहते हैं यहाँ पर एस चक्रवर्ती को एज ए डिफरेंशियल सीबीसी बना सकते हो, और साथ में यहाँ पर देखिए सेतु, एस सेतु आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। और ग्रैंड लीग की चॉइसेस के बारे में बात करें, देखिए एस चक्रवर्ती है, एम पाल है, पी यादव, ए हुडा, बी आनंद और पी कुमार। तो यहाँ पर ये छः प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस हो सकते हैं ग्रैंड लीग पर डिफरेंशियल पिक्स और डिफरेंशियल कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस। तो गाइस ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टॉस के बाद रहने के बाद आपको वहाँ पर फाइनल स्मॉल लीग की टीम के साथ साथ ग्रैंड लीग के चार से लेकर छः ऑप्शन तक मिल जाएगी, जहाँ से सेशन लेके आप खुद की 20 टीम बना सकते हो। तो गाइस देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक में क्लिक करके अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।